गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है प्रत्यय। पहले पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग के विषय में भी पढ़ा, अब हम प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। प्रत्यय का सबसे पहले अर्थ देखेंगे। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आए। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और आए का अर्थ होता है चलने वाला। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात प्रत्यय का अर्थ यह होता है कि साथ में पर बाद में चलने वाला। साथ साथ चलता है लेकिन बाद में चलता है, पीछे चलता है। तो प्रत्यय शब्द जो है वो किसी भी दूसरे शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। जिस प्रकार से उपसर्ग आगे जोड़े जाते थे, उसी प्रकार से प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। अब हमने प्रत्यय को देख लिया, प्रत्यय क्या है, और प्रत्यय के अगर हम देखें तो प्रति और आए दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। अब प्रति का अर्थ साथ में और बाद में होता है, आए का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब इस प्रत्यय की परिभाषा देखें तो प्रति और अए दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ साथ में और बाद में होता है, आए का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर बढ़ाई, बड़ाई शब्द बनता है। इसी तरीके से वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय यानी प्रति प्लस आए का बाद में आने वाला कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण देखो, गाड़ी प्लस वान यानी कि गाड़ीवान, अपना प्लस पन अपना पन। तो ऐसे ये शब्द बन जाते हैं। अब इन शब्दों के बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक के और क्या क्या प्रकार हैं। अब प्रत्येक के जब हम भेद देखेंगे तो यहाँ कृत्य प्रत्यय, तदत्य प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय हो गए। अब जब कृत्य प्रत्यय की बात करते हैं तो कृत्य प्रत्यय में भी दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। और तद्धति प्रत्यय में आठ प्रकार के हैं, कृत्यवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। ये तद्धति प्रत्यय हैं। अब यहाँ विकारी में चार भेद दिए गए हैं। अब इसमें क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत। तो ये कृत्य
प्रत्यय है। अब यहाँ हम प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रकार क्या है? प्रत्यय के प्रकार संस्कृत के प्रत्यय अलग होते हैं, हिंदी के प्रत्यय अलग होते हैं और विदेशी भाषा के प्रत्यय भी अलग होते हैं। तो हम यहाँ इन तीनों प्रकार के जो प्रत्यय हैं इनके विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के प्रत्ययों को लेंगे। संस्कृत के प्रत्यय, ये मुख्यतः दो भेद होते हैं इसके, एक तो कृत्य और तद्धति। कृत्य प्रत्यय क्या होता है? कृत्य यानी कि क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कृत्य प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्रंदंत कहते हैं। कृत्य प्रत्यय के उदाहरण, कृत्य प्रत्यय में किस तरीके से होता है ये उदाहरण हम देखते हैं। ये है अक। अक हमारा प्रत्यय है। अक कैसे लगता है? लेख प्लस अक, तो क्या हो गया? लेखक। नायक, नाय प्लस अक, नायक। गायक, पाठक। तो यहां हमारा अंत में क्या लग रहा है? अक लग रहा है। तो ये प्रत्यय कृत प्रत्यय के उदाहरण है। अक्कड़, अक्कड़ यदि लगाएंगे तो भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। तो ये अक्कड़ पीछे लग रहा है, यानी कि कृत्य प्रत्यय है। आक, आक लगाएंगे तैराक, लड़ाक। इस तरीके के शब्द कृत्य प्रत्यय से बनते हैं। तो ये इसके उदाहरण, कई उदाहरण देखने के लिए मिले। अब जब इन उदाहरणों को हम देखते हैं उसके बाद तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धति कहा जाता है। तद्धति प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धतांत कहते हैं। तद्धति प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है लघु, लघु के आगे लग गया त, पीछे त लग गया, तो फिर इसका जो प्रत्यय बन गया, वो जो शब्द बन गया वो है लघुता। ये तद्धति वो है प्रत्यय है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं। अब यहाँ लघु के आगे लघुता, बड़ा आई, बड़ाई, इसमें हम पीछे वो लगाते जा रहे हैं। सुंदर प्लस त, सुंदरता। बूढ़ा प्लस प, बुढ़ापा। तो ये हमारे तद्धति प्रत्यय हैं। इसके उदाहरण थे ये तद्धति पत्र के प्रत्यय के। अब इन तद्धति प्रत्यय में कृत्य जो प्रत्यय हैं उनके दो उदाहरण बताए गए थे, विकारी कृत्य प्रत्यय और अविकारी कृत्य प्रत्यय। विकारी के ऐसे कृत्य प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं, इनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं। और ऐसे ही अविकारी है, अविकारी से क्या बनेगा? ऐसे कृत्य प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अव्यव बनते हैं, क्रियामूलक। अब इनके भी हम एक एक करके जो भेद है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले विकारी की बात कर रहे हैं। तो विकारी कृत्य प्रत्यय के भेद, विकारी कृत्य प्रत्यय के भेद में सबसे पहला है क्रियार्थक
संज्ञा, कृत्यवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत। अब इनमें भी विकारीकृत प्रत्यय में भी हिंदी जो क्रिया पदों के अंत में कृत्य प्रत्यय के योग से छह प्रकार के कृदंत शब्द बनाए जाते हैं। एक तो कृत्यवाचक, गुणवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, क्रियाद्योतक। ये सारे हमारे कृदंत शब्द हैं। इनसे हम हिंदी के क्रिया पदों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगाते हैं। अब आता है कृत्यवाचक। कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय उन्हें कहते हैं जिनके संयोग से बने शब्दों से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, जैसे वाला, द्वारा, सार इत्यादि। कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय उन्हें कहेंगे। अब यहाँ अब कृत्यवाचक कृदंत निम्न तरीके से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? क्रिया के सामान्य रूप के, क्रिया के सामान्य रूप के अंतिम जो अक्षर है, जैसे ना, ना को ने करके उसके बाद वाला, वाला प्रत्यय जोड़कर ने, जैसे चढ़ना, चढ़ना पहले ना है, ना अक्षर है, उसमें हमने ने जोड़ दिया, चढ़ने, और फिर वाला, चढ़ने वाला, गढ़ना, गढ़ने वाला, पढ़ना, पढ़ने वाला इत्यादि। ना को न करके उसके बाद हार या सार प्रत्यय जोड़कर, जैसे मिलना, ना है, अब इसमें हम न कर देंगे मिलन, और इसके पीछे जोड़ देंगे सार, सार जोड़ो हार, मिलन सार, होन, होनहार आदि। अब धातु के बाद अक्कड़, आऊ, आक, आका, आड़ी, आलू, इले, इया, ऊ, एरा, एत, एया, ओड़ा, कवैया इत्यादि प्रत्यय जोड़कर, जैसे पी, पिय कूड़, बड़, बढ़िया, घट, घटिया इत्यादि। इसमें गुणवाचक भी होते हैं। अब इसमें गुणवाचक का जब हम देखते हैं तो गुणवाचक कृदंत शब्दों से किसी विशेष गुण या विशिष्टता का बोध होता है। ये कृदंत आऊ, आवना, इया, वा इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे बिकना, बिकना यानी कि उसमें लगा दिया हमने आऊ, बिकाऊ, तो ये शब्द बन गया बिकाऊ। तो ये गुण, गुणवाचक है कि ये एक गुण बता रहा है कि ये चीज जो है ये बिकाऊ, तो इसमें बिकाऊ शब्द जुड़ गया। कर्मवाचक, जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं, जिन कृत्य प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से कर्म का बोध हो, उन्हें कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ये धातु के अंत में आना, ओना, ओना, ना और नति प्रत्यय के योग से बनते हैं, जैसे जैसे खिलो, खिलौना, खिल के बाद होना, होना लग गया तो खिलौना, बिछौना, ओढ़नी, सुगनी आदि। तो इन शब्दों से मिलकर भी
इन कर्मवाचक जो शब्द है उनका निर्माण होता है, गुणवाचक कर्मवाचक। अब अगला जो है वो है करणवाचक। करणवाचक जिन कृत्य प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत्य प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को करणवाचक कृदंत कहते हैं। करणवाचक कृदंत धातुओं के अंत में नी, अन, ना, अ, आनी, ओटी, ओना इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे चलनी, चलनी, करनी, झाड़न, बेलन, ओढ़ना, ढकना, झाड़ू, चालू, ढक्कन इत्यादि। तो ये सारे हमारे करणवाचक शब्द कहलाएंगे। अब करणवाचक शब्दों के बाद भाववाचक, जिन कृत्य प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से भाव या क्रिया के व्यापार का बोध हो उन्हें भाववाचक कृत्य प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को भाववाचक कृदंत कहते हैं। क्रिया के अंत में आप, अंत, वट, हट, ई, आई, आव, आन इत्यादि जोड़कर भाववाचक कृदंत संज्ञा पद बनाए जाते हैं। इन शब्दों को भाववाचक शब्दों से जोड़ा जाता है, जैसे मिलाप, लड़ाई, कमाई, बुलावा। तो ये भाववाचक शब्द हो गए। अब करणवाचक और भाववाचक शब्दों के बाद हमारा जो आता है वो क्रिया द्योतक। क्रिया द्योतक जो शब्द है, जिन कृत्य प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेषता रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रिया द्योतक कृत्य प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को क्रिया द्योतक कृदंत कहते हैं। अब इनका मूल धातु, मूल धातु के बाद अ, आ अथवा वा जोड़कर भूतकालिक तथा ता प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनाए जाते हैं। अगर आ या वा जोड़ेंगे तो भूतकालिक बनेंगे और ता जोड़ेंगे तो वर्तमान वाले शब्द बन जाएंगे। कहीं 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 हुआ हुआ प्रत्यय भी अलग से जोड़ दिया जाता है, जैसे खोया, सोया, जिया, डूबता, बहता, चलता, रोता, रोता हुआ, जाता हुआ, अब ये जो क्रिया द्योतक शब्द है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब इनमें वा और आ जोड़ा और यहाँ हमने वर्तमान में यदि कोई बात कह रहे हैं तो फिर ता जोड़ दिया जाता है। चलता है, बहता है, रोता है, खाता है, जाता है, तो ये हमारे सारे वर्तमान शब्द हैं। अब खोया हो गया, सोया सो गया, जिया जी लिया, तो ये हमारे सारे भूतकालिक शब्दों में
आएंगे। अब इसके बाद क्रिया द्योतक के बाद आता है हिंदी के कृत्य प्रत्यय। क्या है अभी हमने संस्कृत के पढ़ा, अब हिंदी के कृत्य प्रत्यय के बारे में। हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या अनगिनत है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, अन, आ, ई, आई, आलू, अक्कड़, आवनी, आड़ी, आंख, अंत, आनी, आप, अंकु, आकी, आका, आन, आपा, आव, आवत, आवना, आवा, आस, आहत, या, यल, एरा, एया, एत, ओढ़ा, आड़े, ओता, ओती, ओना, ओनी, ओटा, ओटी, ओवल, ऊ, ऊख, क, का, की, गीत, त, ताती, तंती, न, नानी, वन, वा, वट, क्या, वैया, वाला, सार, हार, हारा, हा, हट इत्यादि। ऊपर बताया जा चुका है कि जो कृत्य प्रत्ययों के योग से छह प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। इनके उदाहरण प्रत्यय धातु, क्रिया या कृदंत धातु के साथ नीचे दिए जा रहे हैं। वो किस प्रकार के हैं वो देखते हैं। इनमें हमारा आ जाता है सबसे पहले गुणवाचक कृदंत। अब गुणवाचक कृदंत में क्रिया के अंत में आउ, आलू, या, ईयल, एरा, वन, वैया, सार इत्यादि प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं तो उनमें सभी में ये व्याकरण में नियम बना दिए जाते हैं। उन नियमों के आधार पर ही हर चीज़ चलती है। अब यहाँ भी इन्होंने गुणवाचक कृदंत में ये आऊ है, आलू है, या है, ईयल, इन सब प्रत्ययों को जोड़ना है और जोड़कर कुछ नया शब्द बन जाता है, प्रतिक्रिया कृदंत रूप। अब एक साइड प्रत्यय दिया है और एक तरफ है क्रिया, इससे हम कृदंत रूप बनाएंगे। कृदंत रूप बनाने के लिए आउ प्लस टिकना, तो इसका वो शब्द बन जाएगा टिकाऊ। वन सुहावना, सुहावना, सुहावन। अब हरा सोना, यानी कि सुनहरा, सुनहरा। ला आगे, पीछे अगला, पिछला। आगे ला, अगला, पिछला, पिछले, या घटना, घटिया, एरा, बहुत, बहुतेरे, वाहा, फल, हलवाहा। तो इस तरीके से ये गुणवाचक जो शब्द हैं वो हमें इस तरीके से नज़र
आते हैं। अब कर्मवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत की जब हम बात करेंगे तो क्रिया के अंत में औना, हुआ, नी, हुई इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से बनते हैं। अब प्रत्यय है, फिर क्रिया, फिर कृदंत रूप। नी, नी प्रत्यय लगाना है और क्रिया है चाटना, सूंघना, और कृदंत रूप है चटनी, सुगनी, औना, बिकना, खेलना, बिकौना, खिलौना, हुआ, पढ़ा, पढ़ना, लिखना, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। अब हुई, हुई शब्द से सुनना, जागना, सुनी, हुई मैं जगी, हुई। यहाँ इन शब्दों के प्रयोग से क्रिया के अंत में जो है वो इन प्रत्ययों को जोड़कर हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कौन से शब्द? कर्मवाचक शब्द। अब इन शब्दों के बाद करणवाचक शब्द आ जाते हैं। करणवाचक कृदंत शब्द क्रिया के अंत में आनी, ई, ऊ, ने, नी इत्यादि प्रत्ययों के योग से करणवाचक कृदंत संज्ञाएं बनती हैं तथा इनसे कर्ता के कार्य करने के साधन का बोध होता है। पहला शब्द है जैसे प्रतिक्रिया और कृदंत रूप, ये तो तुम्हें बताया जा रहा है कि आ, अगर आ प्रत्यय है और क्रिया क्या है, झुलना, और कृदंत रूप हो गया इसका झूला, ये इसका कृदंत रूप हो गया झूला। अब इसमें ई से, बड़ी ई, बड़ी ई से जब हम देख रहे हैं रेतना, तो इसे हम ई लगाने से पीछे हो जाएगा रेती, रेती से अब ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा उस झाड़ना, तो इसका बन जाएगा झाड़ू। फिर नी, कतरनी, कतरना यानी कतरनी बन जाएगा, और आनी से मथना, मथानी, अन से ढकना, ढक्कन, अन इसके पीछे लग जाएगा तो ढक्कन बन जाएगा। तो ये हमारे हो गए कर्णवाचक कृदंत। अब इसमें कर्णवाचक के बाद आएगा भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत में क्रिया के अंत में आप, आया, आव, वट, हट, आहट, ई, औता, औती, ता, ताती इत्यादि प्रत्ययों के योग से भाववाचक कृदंत बनाए जाते हैं तथा इनसे क्रिया के व्यापार का बोध होता है। जैसे प्रत्यय, प्रत्यय है अ, और इसकी क्रिया, क्रिया अगर कोई हम ले तो दौड़ना, दौड़, दौड़ रहा है वो, क्रिया कर रहा है, और कृदंत रूप क्या हो गया? दौड़। दौड़ एक भाववाचक कृदंत हो गया, तो ये दौड़ना का दौड़ हो गया। आ है घेरना, घेरा, आई है लड़ना, लड़ाई,
मिलना है, आप दे दिया तो फिर मिलाप। वट है, मिलना का क्या होगा, मिलावट। अटना, हट। झल्लाना, झल्लाहट। तो ये इस तरीके के जो प्रत्यय हैं और वो क्रिया से जुड़ जाते हैं तो फिर वो अपना कृदंत रूप ले लेते हैं। तो ये भाववाचक कृदंत के रूप दिखाई दिए। अब क्रिया द्योतक कृदंत, क्रिया द्योतक कृदंत में क्रिया के अंत में ता, आ, वा इत्यादि प्रत्ययों के योग से क्रिया द्योतक विशेषण बनते हैं। यद्यपि इनसे क्रिया का बोध होता है, परंतु ये हमेशा संज्ञा के विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रत्यय है ता, ता आ, ये प्रत्यय है। तो हम अगर कोई शब्द इसके साथ क्रिया लगा दें, बहना, तो ता मिलके हो जाएगा बहता। फिर भरना, ता अगर लगा देते हैं तो भरता। गाना, गाता। हंसना, हंसता। रोना, रो या अगर हम रोना का कृदंत रूप ले तो रोहिया, रोता। अब ता, इसमें ता हुआ, ता हुआ, यानी कि दौड़ना का हो जाएगा दौड़ता हुआ, जाना का हो जाएगा जाता हुआ। तो इसमें, इसके अंत में जो क्रिया है वो ता, वा, आ, इन शब्दों से मिलकर बना है और हमेशा संज्ञा के विशेषण के रूप में ही ये प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ अगला विषय हमारे सामने है, कृदंत और त्वदित में अंतर। प्रत्यय, प्रत्यय आदि अथवा धातु के अंत में लगता है। प्रत्यय, प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में लगता है तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। और त्वदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, इनसे बने शब्दों को त्वदितांत कहते हैं। ये लग गया क्रिया अथवा धातु के अंत में, क्रिया और धातु के अंत में, और ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में त्वदित वाला। और कृदत्त और त्वदितांत में यही मूल अंतर है। संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू इन तीनों सिद्धांतों से तदंत या प्रत्यय आकर, प्रत्यय और तिदांत में यही मूल अंतर है कि जो संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू इन स्रोतों से तदति प्रत्यय आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायता करते हैं। कृदंत और द्विदांत सबसे ज्यादा यही मूल अंतर है इसमें। अब इसके बाद हम त्वदित प्रत्यय को देखेंगे। त्वदित प्रत्यय में भाववाचक, पहले आ गया भाववाचक त्वदित, त्वदिति प्रत्यय। संज्ञा या विशेषण में आई, त्व, पन, वट, हट, त, आस, पा इत्यादि प्रत्यय लगाकर भाववाचक त्वदितांत संज्ञा पद बनते हैं।
इनसे भाव गुण धर्म इत्यादि का बोध होता है। अप्रत्यय शब्द और तदितांत शब्द, प्रत्यय है त्व, शब्द है देवता, तो इसका तदितांत शब्द क्या होगा? देवत्व। और पन, पन प्रत्यय है और बच्चा शब्द है, तो इसका हो जाएगा बचपन। वट है सज्जा, तो सजावट। हट है तो चिकना हट। रंग है, रंग में त मिलाएंगे तो तरंगत। तो उन वाचक जो त्वदित प्रत्यय है वो संज्ञा प्रत्ययों के अंत में आ, क, री, ओला, इया, ई, की, टा, टी, डा, डी, ली, वा इत्यादि प्रत्यय लगाकर उन वाचक त्वदितांत संज्ञा देती है। इनसे किसी वस्तु या प्राणी की लघुता, ऊंचापन, हीनता इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। जैसे प्रत्यय है क, शब्द है ढोल, तो त्वदितांत रूप क्या हो गया? ढोलक। छाता है, शब्द है छाता, इसमें री प्रत्यय लगाएंगे तो छतरी। बूढ़ी, इया लगा दिया, बुढ़िया। टोप, टोप में इय लगा दिया, टोपी। अब छोटा, छोटा शब्द है, अब इसमें की लगा देंगे तो छोटकी। चोरी शब्द है, उसमें टा लगाएंगे तो चोटा। तो ये हमारे ऊनावाचक त्वदिति प्रत्यय थे। अब इन्हीं में हम संबंधवाचक त्वदितीय प्रत्यय दिखाएंगे। तो संज्ञा के अंत में हाल, एल, औती, अल, आल, ई, एरा, जावाल, इया इत्यादि प्रत्यय को जोड़कर संबंधवाचक त्वदितांत संज्ञा बनाई जाती है। यानी शब्द है नाना और हाल जोड़ देंगे तो ननी हाल। नाक शब्द है, एल जोड़ देंगे तो नकेल। ससुर शब्द है, तो आल जोड़ दिया तो ससुराल। बाप शब्द है, औती जोड़ दिया तो बपौती। भाई, ई, अब लखनऊ एक शब्द है, उसमें ई जोड़ेंगे तो लखनवी। फूफा, एरा जोड़ेंगे, फुफेरा। भाई, भाई शब्द है, जा जोड़ेंगे तो भतीजा। पटना, पटना में ईया जोड़ेंगे तो पटनिया। इस तरीके से ये संबंधवाचक शब्द। अपत्यवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा पदों के अंत में अ, आयन, ए, आए, य इत्यादि प्रत्यय लगाकर अप्रत्यवाचक त्वदितांत संज्ञाएं बनाई जाती। इनसे वंश, संतान या संप्रदाय आदि का बोध होता है। तो जैसे अप्रत्यय है वासुदेव, वासुदेव, हमने वसुदेव है और अ जोड़ दिया तो बन जाएगा हमारा वासुदेव। और मनु शब्द है, मनु में अ बना लग गया तो मानव। कुरु, कुरु में अ लग गया तो कौरव। नर, नर में आयन लग गया तो नारायण। राधा, राधा में अय जुड़ गया तो फिर है राधाय।
अब इन शब्दों को देखते हुए हम गुणवाचक द्वितीय प्रत्यय को देखेंगे। गुणवाचक शब्द में आ भूख, भूख, भूखा, निशा, नैश, शरीर, शारीरिक, पक्ष, पक्षी, बुध, बुढ़हू, छूत, छुत्तहर, गांजा, गंजेड़ी, शाप, शापित, लाल, लालिमा, वर, वरिष्ठ, कुल, ईन, कुलीन, मधु, और र प्रत्यय लगाएंगे तो मधुर, वत्स, वत्सल, माया, मायावी, कर्क, कर्कश, ये हमारे गुणवाचक त्वदित प्रत्यय। अभी स्थानवाचक, यहाँ स्थान की बात की जाएगी। स्थानवाचक में संज्ञा पदों के अंत में ई, इया, आना, स्तान, गाह, गाड़ी, आड़ी, वाल्त्र इत्यादि प्रत्यय जोड़कर स्थानवाचक त्वदितांत शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि प्रत्यय में गुजरात, गुजरात में ई लगा दिया तो गुजराती, पटना में इया लगा दिया पटनिया, चारा में गाह लगा दिया चारागाह, आगा, आड़ी लगा दिया आगाड़ी, सर्व में त्र लगा दिया सर्वत्र, यद में त्र लगा दिया यद, यत्र, तद में त्र लगा दिया तो तत्र। तो ये हमारे स्थानवाचक त्वदितीय थे। अव्यवाचक त्वदितीय प्रत्यय, अव्यवाचक में सर्व में दा लगा दिया सर्वदा, एक, एकत्र, ओ, कोश, कौशो, आप में स लगा दिया आपस, यह, आ लगा दिया यहाँ, दिन में भर लगा दिया दिन भर। इसी तरीके से इन शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे ही फारसी के भी त्वदित प्रत्यय हैं, जो कि हिंदी में फारसी के भी बहुत सारे त्वदित प्रत्यय लिए गए हैं। तो इनमें भी भाववाचक, कृत्यवाचक, ऊनवाचक, स्थितिवाचक, विशेषणवाचक शब्द हैं। सफेदा, नजर आना, खुशी, बेवफाई, मर्दाना, मर्दानगी, पेशकार, मददगार, दरबान, हराम, ये फारसी शब्दों से बन रहे हैं। तोप, तुपक, संदूकचा, बागीचा, हैदराबाद, दौलत, दौलत खाना, ईदगाह, हिंदुस्तान, गुलशन, मच्छरदानी, दरबार। त्वदितांत रूप है रोज का रोजाना, शर्म का शर्मिंदा, अक्ल का अक्लमंद, उम्मीद का उम्मीदवार, शाह का शाह, शहजादा। अब अंग्रेजी के यदि हम देखते हैं तो अंग्रेजी में, हिंदी में कुछ अंग्रेजी के भी त्वदित प्रत्यय प्रचलन में आ गए हैं। प्रत्यय शब्द अर, पैंट, पेंटर, आइट, नक्सल, नक्सलाइट, द्रविड़ में इयन, द्रविणियन, कम्यूनिज्म, कम्युनिज्म। इसी तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी होता है। अभिमानी, अभिमानी, अपमानित, परिपूर्णता, दुस्साहसी, पद चलनी, निर्दयी, अपकारक, सुलभता, अतिशयता, नियुक्ति, प्रलयकार। तो ये जितने भी ये शब्द हैं, ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ मिलाकर बनाए गए हैं, बताए गए हैं, जिनमें कि उपसर्ग भी आ रहा है और प्रत्यय का भी प्रयोग हो रहा है। तो एक साथ इन शब्दों का प्रयोग
किया जा रहा है। अब ये यहाँ आज हमने प्रत्ययों का बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसमें भी हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू के कई प्रत्यय हमने देखे। अब इस विषय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं उन पर नज़र डालेंगे और इन लिंक के माध्यम से आप इन प्रत्यय के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इनमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है? जागना, मिठास, बुझक्कड़, चलाई। इसका सही उत्तर है मिठास। इसमें कोई कृत्य प्रत्यय नहीं है। अब है, निम्न में से कौन सा एक त्वदित प्रत्यय नहीं है? बिटिया, चचेरा, अपना पा, सजावट। इसका सही उत्तर है सजावट। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द व प्रत्यय से नहीं बना है? माधुर्य, दैत्य, आदित्य, पाथेय। सही उत्तर है पाथेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न है? शैलजा, पान वाला, लड़ाकू, चिकनाहट। सही उत्तर है लड़ाकू। लड़ाकू इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न आता है, कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है? राघव, ममत्व, लाघव, वासुदेव। सही उत्तर है ममत्व। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सही नहीं है? सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, ऐतिहासिक। जो सही नहीं है वो शब्द है, सही उत्तर है पारिवारिक। पारिवारिक कोई शब्द नहीं होता, पारिवारिक शब्द होता है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से बना है? हर्षित, कुंती, इकहरा, मारुति। सही शब्द है मारुति। निम्न में से भिन्न प्रत्यय लिखिए, हंसी, दुखी, दौड़ी, लड़ी। सही उत्तर है भूखी। अब अगला प्रश्न है, यातायात में प्रत्यय बताइए, यत, त, आयत, अत। सही उत्तर है आयत, बहुतायत। तो बहुतायत में आयत सही प्रत्यय है। अगला प्रश्न, निम्न में से भिन्न प्रत्यय बताइए, राजकीय, शासकीय, राष्ट्रीय, जातीय। इसमें भिन्न शब्द, भिन्न प्रत्यय है राजकीय। राजकीय शब्द भिन्न प्रत्यय है। तो आज ये अंतिम प्रश्न हमारा यही समाप्त हुआ। आज का विषय प्रत्यय, जिसे हमने बहुत विस्तार से पढ़ा, वो भी यहीं समाप्त होता है। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।